तो दोस्तों एक बार फिर से हो जाइए तैयार, क्योंकि आपका कमेंट के बाद हमें मिला एक और वीडियो बनाने का मौका। और कमेंट आ रहा था बार बार टाटा नैनो टाटा नैनो, तो लो जी एक और टाटा नैनो के साथ हाजिर हो चुके हैं। एक और धमाकेदार मैं आपको बात अभी बता दूं दोस्तों, ये जो गाड़ी है टॉप एंड मॉडल गाड़ी है, इसके अंदर आपको बूट भी ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा इस गाड़ी को लेने के बाद, क्योंकि स्पेस के मामले में नो डाउट काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेस मिल जाएगा। हेडलाइट का बात करें तो वही नॉर्मल सा जो हाइलोजन आता था वही इसके अंदर भी आपको देखने को मिलने वाला है, कोई अलग नहीं है। लेकिन आप चाहें तो बाहर से डलवा सकते हैं हेडलाइट, आपके ऊपर डिपेंड करता है। साइड लुक का बात करें तो साइड लुक भी यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, गाड़ी के ऊपर कोई स्क्रैचेस नहीं है, एलॉय कवर सब कुछ गाड़ी के अंदर लगा हुआ है जैसे कि देख सकते हैं। टायर कंडीशन बताऊं तो टायर भी 70-80% लगभग बचा हुआ है, जैसे कि सामने में आप चेकआउट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर दूसरे साइड से लुक दिखाऊँ तो लुक चेकआउट कर सकते हैं दूसरे साइड से भी, दोनों टायर के अंदर एलॉय कवर से लगी। और जिस टायर के अंदर एलॉय कवर से लग जाता है ना भाई, कसम से गाड़ी का मतलब लुक जहर हो जाता है, बवाल लगने लगता है। पीछे से जैसे मैंने आपको बताया था बूट आप ओपन कर सकते हो, तो लो जी देख सकते हो बूट आप इसका इजिली ओपन कर सकते, साथ में टाटा का बैजिंग मिल जाएगा, नैनो एक्सट्री का भी आपको बैजिंग देखने को मिल जाता है। बात कर ले इस गाड़ी के इंजन का, तो हाँ जी आपको इसका इंजन पीछे में ही देखने को मिलने वाला है। हर गाड़ी की तरह नॉर्मल जैसे गाड़ियाँ होती है पीछे में इंजन मिलती है, उसी तरीके से इसमें पीछे में मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा लुक सारा कुछ आपको हम दिखाने का ट्राई कर रहे हैं। सन वाइजर गाड़ी के अंदर लगा हुआ है। इंटीरियर का बात करें तो यहाँ पर आप इंटीरियर भी देख सकते हैं, काफ़ी प्रीमियम आपको इंटीरियर देखने को मिलने वाला है। इसको जो स्टीयरिंग है ना, काफ़ी क्लासिक लुक आपको देखने को मिलने वाला है। बात करें डैशबोर्ड का तो डैशबोर्ड भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्रीम कलर में आपको देखने को मिलने वाला डैशबोर्ड, साथ में ब्लैक कलर का थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन है, और साथ में आपको क्रोम का थोड़ा बहुत फिनिशिंग इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। और जिस गाड़ी के अंदर क्रोम लगता है माँ कसम गजब हो जाता है यार वो गाड़ी अंदर से। म्यूजिक सिस्टम का बात करें तो म्यूजिक सिस्टम आपको कंपनी फिटेड ही देखने को मिलने वाला है, कोई भी आफ्टर मार्केट इसके अंदर यूज़ नहीं किया गया है। गियर बॉक्स बताऊँ तो आपको वही नॉर्मल सा जो मैनुअल आता था वही गियर बॉक्स मिल जाता है, साथ में फ्रंट में 4 AC बिट्स, और AC बिट्स के अंदर आपको भी हीटर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो नैनो के अंदर दोनों चीज़ मिल रहा है तो फिर क्या ही चाहिए मेरे भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर भी काफ़ी मस्त है, और फ्रंट का दोनों विंडोज आपको पावर बटन में देखने को मिल जाता है, मैनुअल आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये और ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। सीट कंफर्ट का बात करें तो नो डाउट टाटा की गाड़ी है, काफ़ी अच्छा आपको सीट कंफर्ट देने वाली है। काफ़ी लॉन्ग टूर पर भी आप जाएंगे तो आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बात करें रियर सीट का तो हाँ जी रियर सीट भी आप चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस के साथ कंफर्टेबल मोड का सीट देखने को मिलता है। वैसे आप चाहें तो इसे हटवा के दूसरा भी सीट लगवा सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा पैसा हो तो। बात करें और डिटेल्स का तो दोस्तों टाटा नैनो 2016 मॉडल आप देख रहे हैं, पेट्रोल वेरिएंट गाड़ी है, 38,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। एंड गियर बॉक्स बताऊँ तो मैनुअल जो कि मैंने आपको बता ही दिया। फर्स्ट ऑनर गाड़ी की लोकेशन बताऊँ तो तिलक नगर दिल्ली की गाड़ी है, वैसे तो ये दिल्ली की है लेकिन आप कोई और स्टेट में रहते हो और फिर भी इस गाड़ी को लेना चाहते हो तो NOC अवेलेबल है, गाड़ी आप ले सकते हो। और 2016 मॉडल है तो समझ सकते हो मॉडल कौन सा है। GS मोटर्स की तरफ से गाड़ी सेल हो रहा है। बात कर ले प्राइसिंग का तो दोस्तों गाड़ी का ऑनर का प्राइस है 1,55,000 रुपये, यानी ऑनर सेल करना चाह रहे इस गाड़ी को 1,55,000 रुपये में। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल से लेंगे थोड़ा बहुत प्राइस नेगोशिएबल देखने को मिल जाएगा, सो डोंट वरी। बात के लिए कॉन्टैक्ट नंबर का तो दोस्तों ऑनर का कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्प्ले पे देखने को मिल जाएगा, यानी वीडियो के एंड में डिस्प्ले पे, तो इस नंबर पे कॉल करके आप गाड़ी को इजीली बाय कर सकते हैं।